अब मुझे तो दो कप में नौ का लसता रहे हां मेरी बहन तो हो नौ का है जरूर है मुझे चाय दो उस कप में दो वो जो पड़ा हुआ है ये, ये यो। नहीं वो वाला कप जो ऊपर पड़ा हुआ है उसमें दो ये डंडी नहीं है डंडी नहीं है तो कोई बात नहीं चल जाएगा देखें आज तो काफाना मुझे चाय दे माशाल्लाह मेरी बहन बहुत ही अच्छी है बस कर दो थैंक यू अब आगे से कहो यू वेलकम टू पाकिस्तान वेलकम टू पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद अल्लाम वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आज से फैमिली तो उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अलहमद हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हमारी दुआ है हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश है रहें और जितने भी जिनकी परेशानियाँ हों अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर कि इन दुआओं के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम बहन भाइयों से छोटी से रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप चैनल पर नई आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके तो भी बस आज मुबारक का दिन है तो आप सब बहन भाइयों को हमारी पूरी फैमिली की तरफ से मुबारक का दिन मुबारक हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जुमा नमाज़ अदा कर ली है अभी हमारा टाइम तकरीबन तीन का होने वाला है तो वो आप सब बहन भाइयों को पता है कि वो घर हम तोड़ रहे हैं तो इसलिए अब हम यहाँ पर रहेंगे ये जो हमारा जानवरों वाला भाया था तो इसके अंदर अब सफाई सुथराई की है इसकी तोरी वगैरह उठवा लिया है यहाँ से और जो है ना इसके अंदर मिट्टी वगैरह भी डाल रहे हैं तो कल एक एकटाला अलहमद इक्टों का आ गया है वो इधर हम फाश लगा रहे हैं तो यहाँ पर फाश लगाएंगे तो उधर का जो हमारा सामान है कुछ बक्से वगैरह जो चीज़ें भी हैं वो इधर शिफ्ट कर देंगे तो फिर चाय पानियाँ सारा कुछ इधर ही ले आएंगे पंखे वगैरह भी उपाय लगा देंगे अल्हम्दुलिल्लाह ये उपाय से पक्का है तो पहले दो दिन तीन दिन मिस्त्री के यहीं पर लगेंगे क्योंकि इसकी छत की लंबाई करवानी है उसके बाद नीचे इसका फाश बनवाना है तो एक वो जो कमरा खड़ा हुआ है मैं आपको दिखाऊँ वो वाला तो उधर हम सोच रहे हैं कि जो मेरी दो बहने हैं वो उधर हैं क्योंकि उसके अंदर बाथरूम भी है वाश भी है तो दोनों चीज़ें उसके अंदर हैं तो जो मेरी बहन आयफाना है जो समीना है वो वहाँ पर रहें फैसल अम्मी और मैं हम इधर रहें क्योंकि यहाँ पर भी खुला माहौल है और जो है ना इधर बाहर चूल्हे वगैरह भी बना लेंगे अभी ये जो हमारा किचन है ये देखें ये सामने किचन है ये वाला तो इसको अभी हम नहीं तोड़ेंगे तो क्योंकि इधर से दरवाज़ा इसका निकाल लेते हैं गला कर देते हैं क्योंकि इधर से ही अंदर और जो है ना खाना वगैरह भी पकाएं और बाहर भी एक चूल्हा इधर बना लेते हैं वो भी बस जो हमारी कट्टी है वो हम अपने कज़न को दे रहे हैं तो वही भी उन्हीं के घर चली गई है तो आज शाम को वो कट्टी को भी ले जाएंगे उनके साथ हमने मंथ का जो हिसाब होता है वो कर लिया है कि घास भी वो डालेंगे और इसकी देखभाल वो करेंगे तो इनशाला आज वीडियो स्टार्ट करते हैं तो वीडियो आज बहुत ही अच्छी होने वाली है तो आप सब ने आज की वीडियो मुकम्मल देखनी है वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है तो भी बस देखें इधर तू भी परी हुई थी वो उठवा ली है तो अब इसके अंदर मिट्टी भी काफ़ी सारी आ गई है लेकिन अभी कुछ और भी आएगी इस साइड पर अभी मिट्टी नहीं आई तो ये जो दीवार टूटी पड़ी है तो इसको भी बनाएंगे इसको ऊंचा करके थोड़ा सा बनाएंगे क्योंकि इस साइड पर तो ये मशीन वगैरह रहेगी इस साइड पर हम रहेंगे तो माशाल्लाह काफ़ी खुली जगह ऊपर पंखे वगैरह भी लगा देंगे तो इसका जाला वगैरह सफाई के ये जो गला है ना क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही ना धूप निकलेगी तेज़ तो ये फिर धूप सीधा अंदर आ जाएगी तो इस वजह से इस गले को बंद करवा देंगे ताकि धूप अंदर ना आए और तो वे बस अब मैं बाहर जा रहा हूँ क्योंकि हमारी इट्टें आ गई हैं अलहद एक एगे वाला इ्टों का मैंने मंगवाया है अभी तो ये देखें पीछे पड़ी हुई हैं धूप भी काफ़ी तेज़ है आँखों में पा रही है तो मैं आपको बैक क्या मैं दिखाता हूँ तो बिब ये देखें ये एक तो टसु है ये वो ईटें नहीं हैं जो जिनके साथ उस होती है ये वो इटें हैं जिनके साथ फाश लगता है तो कुछ इधर भी हुई हैं और जो बड़ी इट्टे हैं ना वो उधर सड़क पर पड़ी हुई हैं वो मजदूर जा के ले आएंगे जब मिस्त्री काम करेगा ये देखें तो अभी बस देखें कुछ इट्टे अंडा भी आ गई हैं तो ये हमने हाथ वाले वे ही पर अंडा ले आए हैं इनको तो कुछ इक्टे यानी के अंदर आ गई है अब मैं घर आ गया हूँ तो अम्मी देखें पता नहीं क्या बना रही हैं। चाय बना रही है अम्मी जुमा नमाज पहली है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अफाना कहाँ पे है चाय बना रही है वो एफाना नहीं है खासी हो गई है खासी नज़ला तो मुझे भी बहुत है तो ऐफाना को याद किया है तो आयफाना अब आ गई है चाय पीने अब बस चाय नहीं बचेगी चाय चाय पीती क्यों बैठती हूं। पी ली आपने है? नहीं, बैठती हूं। तो ऐफाना बैठ गई है और माशाल्लाह आज तो आयफाना की तबीयत मुझे अच्छी लग रही है सुकून से ये बैठी हुई है आज क्या हाल है आयफाना हेलो बात तो कहे ना तो होती बात आज जुमा तुल मुबारक का दिन है तो आपने तो नमाज पढ़नी थी आज कल तो आप मेरे पास कुरान भी नहीं है मैं नहीं कुरान। कुछ भी नहीं है। आपको आता तो है नहीं आता नहीं आपका कुरान भी है और आपको आता भी हमारे नहीं है कचा कुछ भी नहीं कुरान कह चार तीन चार कुरान है हमारे पास कुछ शक है आप तो ऐसे कह देती हो जैसे है भी कुछ नहीं तो कल तो बेबी नाते सुनावे थी कि एक रोज मोमिन तुम्हें मरना हुए है पढ़ते रहो नमाज ये कोले रसूल है माशाल्लाह अफाना की आवाज बहुत थे 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 ही ज्यादा प्यारी है पता नहीं मैं कौन हूँ कौन पता नहीं नहीं आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं नहीं आप नहीं बोलती कौन? भी बहुत अच्छी है आ, मैं कौन आ, पता नहीं मैं। आप एफाना हो नहीं पता नहीं मैं कौन अम्मी चली गई है अब तो आपने चाय पीनी है तो पी लें पीनी है अच्छा आज तो देखें अफाना को खांसी हो गई है मत ना जीन 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 जीन, जीन जीन, कच्चा डालता कच्चा डालता कच्चा घी खा जाती है फिर आपको से इसलिए होती है पता है हाँ तो, तो सोयमा वगैरह अभी माशाल्लाह लगाया हुआ है अरफाना ने सोयमा वगैरह अभी पहना हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक अरफाना को मुकम्मल सेहत दे तो कभी कभी तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बातें करती है आज आज कुछ सुनाओगी हमें ना तो सुना दो तो अभी तो आपने कहा कि मैंने चाय नहीं पीनी तो अब क्यों बैठे हो देख के पास प्यूंगी, प्यूंगी, प्यूंगी। ये देखो इसके दवा में अब देख ले आप नहीं है। ये देखे अभी ये कह रही थी कि मैंने नहीं पीना तो अब ये पिए है कप लेके तो ये देखो इतनी घर में इसको पीता तो देखे जैसे वो बिल्ली दूध पी जाती है ना अरफाना चाय ऐसे पीती है <laughs> है ना मैं क्या पता कोई है कि नहीं है अफाना <laughs> बिल्ली की तरह चाय पीती है जैसे बिल्ली दूध पी जाती है ना अफाना वैसे चाय पीती है जल्दी जल्दी आज ये मजाक के मूड में नहीं है कभी कभी इसका मूड अच्छा होता है ना ये बहुत प्यारी बातें कहती है चलो पियो पियो चाय मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता मैं जा रहा हूँ ओके अब मुझे तो दो कप में, नोका में आप मेरी बहन तो हो नौका जरूरी है मुझे चाय दो उस कप में दो वो जो पड़ा हुआ है ये, ये, नहीं वो वाला कप जो ऊपर पड़ा हुआ है उसमें दो ये नहीं है डन ही नहीं आता तो कोई बात नहीं चल जाएगा देखें आज तो आफाना मुझे चाय दे भी है माशाल्लाह मेरी बहन बहुत ही अच्छी है बस कर दो थैंक यू अब आगे से कहो यू वेलकम वेलकम टू पाकिस्तान वेलकम टू पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद है ना <laughs> चलो बैठो तो सही बैठो तो सही क्या करूंगा बैठ के बैठ के चाय पियो केक नहीं आपने वे... केक नहीं है आपके पास आप तो मेरा बहुत ख्याल का रही हैं आज खैर तो है कुछ मंगवाना तो नहीं है सिटी से <laughs> नहीं मैंने कुछ नहीं मंगवाना <laughs> अच्छा तो देखिए माशाल्लाह से अब ना आईफाना की तबीयत बेहतर है देखिए तो साइक क्यों पकड़ा हुआ है हैं दिमाग दिमाग नाल दिमाग ना सूख चली पई है मेरी दिमाग नाल <laughs> वो क्या होती है सूख चली पई है दिमाग नाल अच्छा अल्लाह पाक आपको शिफा दे अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब के सदके आपको शिफा दे

अच्छा तो आपने मुझे चाय दिया है इसकी तो डनी भी नहीं है कप की अब मैं इसको कहाँ से पका के पीऊँ मैं क्या करूं नहीं आप मुझे उस कप में देती जिसकी डनी होती ना है अच्छा और सुनाओ कुछ है ये कप पिया है के पी गिनो पी गिन नहीं आप तो मैं पी रहा हूँ मैं तुम्हें नहीं तो अब एफाना खुद जा रही है मुझे कहती है बैठो अब वो खुद चली गई है तो भी बस वीडियो का भी मैं यहीं पे एंड करता हूँ तो इनशाला किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दुआओं में याद रखना स्पेशल हमारी पूरी फैमिली के लिए आप सबने दुआ करनी है और एफाना के लिए तो स्पेशल करनी है तो इनशाला किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए हाफिज़